मैं आपसे एक बात अर्ज करूं कि बशर भाई ने बहुत अच्छे अशार से नवाजा, और एक सवाल उन्होंने बड़े हंसते हंसाते अनवर भाई से किया था। एक मिनट में वो बात मुकम्मल करूंगा। अनवर भाई के बारे में वो बात कर रहे थे, कह रहे थे कि 5-6 महीने मैं यहाँ हसनगंज में सीओ रहा, उस दौरान अनवर भाई से बड़े अच्छे मामलात उनके थे। कहा कि पता नहीं कुछ करते हैं, ये नहीं पता कि क्या करते हैं। उनके इस जुमले से ये पता लगता है कि अनवर भाई जो कुछ करते हैं अच्छा ही करते होंगे, क्योंकि अगर बुरा करते होते तो पुलिस के पास जरूर इसकी जानकारी होती। इससे ये अंदाजा लगता है कि अनवर भाई जो कुछ भी करते हैं वो कुछ ना कुछ अच्छा ही करते होंगे। मैं चाहता हूं कि अनवर भाई के लिए जरा जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल करें। और एक बात मैं और चाहता हूं, मोहतरम अरशद सिद्दीकी साहब, अनवर सिद्दीकी साहब और असद सिद्दीकी साहब, ये वो लोग हैं जो इस मुशायरे के जिम्मेदारों में हैं। मौलाना हसरत मोहानी की सरजमीन पर ये चराग जो आज की रात रोशन हुआ है, इसकी हिफाजत करने का जिम्मा अब इस सरजमीन से जुड़े हुए तमाम लोगों का है। मेरी नजरें जिन लोगों को देख रही हैं, मोहतरम नदीम हाशमी साहब मेरे सामने हैं, तमाम अजीमुल मर्तबत हजरात यहाँ सामने बैठे हैं, मैं इन तमाम लोगों को देख रहा हूँ और एक बात महसूस कर रहा हूँ कि आज की रात ये थोड़ी सी बदमजगी का अगर हिस्सा मुशायरे के उसमें से निकाल दें तो ये बड़ा बहुत यादगार मुशायरों में शुमार किया जाएगा। इस मुशायरे के कामयाबी की मैं मुबारकबाद आप सबको पेश करता हूं। और आगे बढ़ते हुए एक शायर से मैं मुलाकात कराना चाहता हूं, एक ऐसे शायर से मुलाकात कराना चाहता हूं। 4 मिसरे सुन लीजिए, आप वहां तक पहुंचेंगे कि जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप है अगला नंबर आपका है। हज़रत-ए-गिरामी, गजल जिस लहजे में बात करती है, गजल जिस अंदाज से बेबाक होकर बात करती है, वो चाहे अहदे हाजिर पर तबसरा करे, महबूब की आंखों में आंखें डालकर देखे या अरबाबे इक्तदार से बात करे, सियासत पर बात करते वक्त भी गजल के तेवर इसी तरह से नुकीले महसूस होते हैं। लेकिन आइए एक ऐसे नौजवान से मुलाकात करते हैं जिन्हें मैं चाहता तो था कि थोड़ी और पहले आपकी मुलाकात उनसे कराता, लेकिन मैं चाहता ये हूं कि अब जब हम उनसे मिलने जा रहे हैं तो ये बात समझते चले कि वो नौजवान अहद हाजिर के हालात पर तबसरा तो करता ही है, लेकिन साथ साथ अपनी उम्र के मुताबिक मोहब्बतों के जज्बात की तर्जुमानी, नौजवानों के एहसासात को अपनी गजल का हिस्सा बनाना, ये उस शायर का कमाल है। सुहाग की निशानी चूड़ियों का शहर फिरोजाबाद, और फिरोजाबाद का ये नुमाइंदा हाशिम फिरोजाबादी से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो अपने कलाम से नवाजे। तशरीफ लाएं जनाब हाशिम फिरोजाबादी। हाज़रीन ग्रामी, मुझे इल्म है कि कितना वक्त मेरे हिस्से में आया है, कितने लोगों को और पढ़ना है मुझे यह भी इल्म है। चंद शेर की इजाजत दे दीजिए, उसके बाद गजल के चंद शेर पढ़ूंगा, सुनिएगा। पेश करता हूं, समाप्त फरमाए बतौर खास। बस खुदा का भरोसा है मुझको और किसी की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा बेदार हो जाए, मुझे भी दुआओं से नवाजना। पेश करता हूं, बस खुदा का भरोसा है मुझको और किसी की जरूरत नहीं है। बस खुदा का भरोसा है मुझको और किसी की जरूरत नहीं है। रास्ता रोक ले मेरा मुश्किल, इतनी मुश्किल में हिम्मत नहीं है। रास्ता रोक ले। देखिए ये खत अल्ताफ, सबसे ज्यादा परेशान यही हुआ है। जरा आप मुझे ज्यादा दुआओं से नवाज दो, सबसे ज्यादा इसको दर्द होगा। नदीम भाई हाँ बिल्कुल, मैं देखा मिसरा कुछ और आज ये पढ़ कुछ और है। मुझे पता है ना मेरे मुशायरे की आबरू, आली जनाब इज्जत माप सदर मुशायरा प्रोफेसर वसीम बरेली साहब तशरीफ रखते हैं, मुझे उनके सामने क्या पढ़ना चाहिए ये मुझे इल्म है। रास्ता रोक ले मेरा।
क्या मुश्किल, इतनी मुश्किल में हिम्मत नहीं है। नदीम भाई, और भी बेटियां हैं जहां है, देखना चाहता हूं कौन खामोश बैठता है। और भी बेटियां हैं जहां में, और भी माएं हैं बीवियां हैं, और भी बेटियां हैं जहां में, और भी माएं हैं बीवियां हैं, सैयदा फातिमा जैसी, लेकिन दोनों आलम में औरत नहीं है। वाह 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 हाशिम, क्या कहना क्या कहना, वाह 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 भाई। ये शेर फिर से एक बार मैं हाजिर करता हूँ आपको हुक्म सर आंखों पर सुनिए। और भी बेटियां हैं, और भी बेटियां हैं जहां में, और भी बेटियां हैं जहां में, और भी माए हैं बीवियां हैं, सैयदा फातिमा जैसी, लेकिन दोनों आलम में औरत। पूरी रात हो गई नदीम भाई, तमाम शहादत पेश गई, पेश की गई, एक शहादत मैं पेश करता हूँ, सुनेगा। सैयदा फातिमा जैसी, लेकिन और भी, यूं तो जंगे हुई है। ये मेरा नौजवान साथी परेशान से है, इन्नल्लाह मा साबरीन, दो तीन शेर पढ़ा लेना दीजिए, सुनेगा। और भी यूं तो जंगे हुई है, वाह वाह वाह, ये बताती है करबल की मिट्टी। मिसरा लग जाए तो मुझे दुआओं से नवाजना। और भी यूं तो जंगे हुई है, और भी यूं तो जंगे हुई है, ये बताती है करबल की मिट्टी, पेश की है जो इब्ने अली ने, उससे बढ़कर शहादत नहीं है, पेश की है जो इब्ने, क्या कहना हाशिम, वाह वाह वाह, उससे बढ़कर शहादत नहीं है। दूसरों को अनवर भाई, दूसरों को अच्छा पिलाई जा रही है, मैं समझे खिलाया जा रहा है, दूसरों को खिलाकर जो खाए, रहमतें उस पे होती है नाजिल, दूसरों को खिलाकर जो खाए, रहमतें उस पे होती है नाजिल, जिसमें शामिल न हो उसकी रहमत, उनने वालों में बरकत नहीं है, जिसमें शामिल न हो उसकी रहमत, उनने वालों में बरकत नहीं है, जिसमें शामिल न हो उसकी रहमत। ये मैंने आपको दो तीन शेर सुनाए हैं सिर्फ इसलिए कि ये शेर मुझे पढ़ना था, अगर मैं डायरेक्ट पढ़ता तो मुझे मतलब पढ़ना जरूरी था। मैं शेर पेश करता हूँ, सुनेगा। जिसमें शामिल न हो उसकी रहमत, उनने वालों में बरकत नहीं है, जिसमें शाम हम गुलाम दर मुस्तफा है, उनकी रहमत का है ताज सर पर। ये नातिया हो गया, सुनेगा। हम गुलाम दर मुस्तफा है, हम गुलाम दर मुस्तफा है, उनकी रहमत का है ताज सर पर, हम फकीरों की किस्मत है जैसी, बादशाहों की किस्मत नहीं है, हम फकीरों की किस्मत है, बादशाहों की किस्मत नहीं है। बहुत शुक्रिया, मैंने आपको चंद शेर सुनाया, इससे पहले मैं सुना चुका था, मुझे ये भी मैं जानता था, लेकिन मेरी जिम्मेदारी थी, मुझे जैसा कि कहा गया दो तीन शेर पढ़ता, वक्त कम था, लेकिन मैं एक गजल के चंद शेर पेश करता हूँ। मतलब यूं सुन ले नौजवान, जरा हाथ उठाकर बताएं किस तादाद नौजवान। बहुत शुक्रिया, ये तो सभी ने उठा दिया। मतलब एक यूं सुन ले नदीम भाई, खालिस गजल का मतलब कि अब तेरे शहर से
अब तेरे शहर से हाशिम भाई, अब तेरे शहर से जाया भी नहीं जा सकता। गजल पेश कर रहा हूं, अब तेरे शहर से जाया भी नहीं जा सकता और तुझे अपना बनाया भी नहीं जा सकता। वाह वाह, अब तेरे शहर से जाया भी नहीं जा सकता और तुझे अपना बनाया भी नहीं जा सकता। और गजल के मुहाफिज प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब का शिफ्त, मैं एक शेर पढ़ता हूं इंशाल्लाह, वो मुझे दुआओं से नवाजेंगे। अब तेरे शहर से जाया भी नहीं जा सकता और तुझे अपना बनाया भी नहीं जा सकता, एक ही चेहरा बसा रखा है नाखों ने मेरे, एक में सिर्फ आप ध्यान दें, एक ही चेहरा बसा रखा है नाखों ने, एक ही चेहरा बसा रखा है नाखों ने, दूसरा कोई बसाया भी नहीं जा सकता। एक ही चेहरा बसा रखा है नाखों ने दूसरा कोई बसाया भी नहीं जा सकता। मेरी आंखों को भरोसा है तेरे आने का, क्या कहना, इन चिरागों को बुझाया भी नहीं जा सकता। वाह 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 वाह, मेरी आंखों को, अरे क्या कहना क्या कहना, वाह वाह। इसका मतलब मुझे अच्छे शेर सुनाना पड़ेंगे, तो मुझे थोड़ा सा जुड़कर आप बता दो, थोड़ा सा जुड़कर बता दो, आपको बड़ी शायरी सुनना है, कुछ छोटे एक छोटा शायर, शायर का एक छोटा भाई आपके बीच खड़ा है। बहुत शुक्रिया। अब तेरे शहर से जाया भी नहीं जा सकता और तुझे अपना बनाया भी नहीं जा सकता, एक ही चेहरा बस, अल्लाह करे इसकी चाय गिर जाए, एक ही चेहरा। इसमें किसी ने गलत बता दिया कि हर चाय वाला प्रधानमंत्री नहीं बन सकता यार, बैठ जाइए। अब तेरे शहर से जाया भी नहीं जा सकता और तुझे अपना बनाया भी नहीं जा सकता, एक ही चेहरा बसा रखा है नाखों ने, दूसरा कोई बसाया भी नहीं जा सकता। मेरी आंखों को भरोसा है तेरे आने का, मेरी आंखों को भरोसा है तेरे आने का, अभी तक मुशायरा चला है, ये लोग चौंके नहीं है, ये मेरे शेर पर चौंके हैं। इसका मतलब मैंने कुछ वर्क किया, जोरदार ताली बजाई, मेरे शेर पर ताली बजा दी। वाह, मेरी आंखों को भरोसा है तेरे आने का, इन चिरागों को बुझाया भी नहीं जा सकता, मेरी हर सांस में खुशबू सी बसी है उसकी, आहा, मेरी हर सांस में खुशबू सी बसी है उसकी, ये मगर उसको बताया भी नहीं जा सकता, मेरी हर सांस में खुशबू सी बसी है उसकी, ये मगर उसको बताया भी नहीं जा सकता। मोहन में शेर पढ़ता हूं कि मुफलिसी अब तो चली जा मेरे घर से बाहर, क्या कहना, मुफलिसी अब तो चली जा मेरे घर से बाहर, अब तेरा बोझ उठाया भी नहीं जा सकता। वाह वाह वाह, मुफलिसी अब तो चली जा मेरे घर से बाहर, अब तेरा बोझ उठाया भी नहीं जा सकता, अब तेरा बोझ उठाया भी नहीं जा सकता। एक मतलब और पढ़ता हूं, मतलब एकदम ताजा है, इसका मतलब आपने नहीं सुना, मैं अर्ज कर रहा हूं कि लम्हे जो साथ गुजरे भुलाए नहीं गए, लम्हे जो साथ गुजरे भुलाए नहीं गए। दूसरा मिसरा ही पढ़ दीजिए, मैं ही पढ़ दूंगा तो फिर। लम्हे जो साथ गुजरे भुलाए नहीं गए, दिल से तुम्हारी याद के साए नहीं गए, सुनते हैं उसने कल मेरे फोटो जला दिए, मुझसे तो उसके खत भी जलाए नहीं गए। वाह वाह वाह, सुनते हैं उसने कल मेरे फोटो, क्या कहना हाशिम वाह, सुनते हैं उसने कल मेरे फोटो जला दिए, मुझसे तो उसके खत भी जलाए नहीं गए। और एक शेर पढ़ता हूं अपने बहुत ही करम फरमा अली जनाब इज्जत माफ शायद मंजूर साहब की मौजूदगी, उनकी दुआएं चाहता हूं कि मजबूर होके पांव में घुंघरू सजा लिए, क्या कहना, मजबूर होके पांव में घुंघरू सजा लिए, घुंघरू सजा लिए, जब भूखे बच्चे उससे सुलाए नहीं गए। वाह वाह वाह, मजबूर होके पांव में घुंघरू सजा लिए, जब भूखे बच्चे उससे सुलाए नहीं गए, जब भूखे बच्चे उससे सुलाए नहीं गए। एक मतलब और आपसे इजाजत, मतलब पेश करता हूं, समाप्त फरमाए, मेरा चराग हवा के खिलाफ जलता है, मेरा चराग हवा के खिलाफ जलता है, मेरा चराग हवा के खिलाफ जलता है, मेरा चराग हवा के खिलाफ जलता है,
इसीलिए तो जमाने को आज खलता है, इसीलिए तो जमाने को आज खलता है। उसी को खलने लगी रोशनी मेरे घर की, उसी को खलने लगी रोशनी मेरे घर की, उसी को खलने लगी रोशनी मेरे घर की। मेरे चराग से जिसका चराग जलता है, मेरे चराग से जिसका चराग जलता है, मेरे चराग से जिसका चराग जलता है। जमाना यूं तो बहुत शुक्रिया।